सो गाइस फिर से टेक्नोलॉजी मुनीर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने IRCTC ऐप्स से ट्रेन टिकट बुक कर लिया है और अगर आप किसी कारण अपनी टिकट को कैंसिल करने के लिए चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। तो दोस्त अगर आप भी IRCTC ऐप्स से डायरेक्ट अपनी टिकट को कैंसिल करने के लिए चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ और जो आपका रिफंड भी आपको कितना मिलने वाला है, कितने दिन में मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो दोस्त अगर आप भी IRCTC ऐप से अपनी टिकट को कैंसिल करने के लिए चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस IRCTC ऐप्स से ट्रेन टिकट कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर IRCTC ऐप्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद में पहला काम आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने में इस ऐप्स को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्त मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4 ओके, और यहाँ पे मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए जल्दी हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सा बस आप वेट कीजिए। देखिए मैंने कैप्चा भी डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप सबसे पहले IRCTC ऐप्स को लॉगिन कर लेंगे अपनी ID से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन भी कर लिया है। अब टिकट कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्त सबसे नीचे में लिखा हुआ है माई ट्रांजेक्शन, आप देख सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माई बुकिंग्स, तो आप माई बुकिंग्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्त आपने जितना भी टिकट बुक किया है वो सारे टिकट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला टिकट बुक किया था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है यहाँ से नांदेड़ से मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई का जो है मैंने टिकट बुक किया था, ठीक है। अभी देखिए मैं इसी टिकट को कैंसिल करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जने का टिकट है यहाँ पे, ओके। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किराया भी कितना है, 1046 रुपया आप देख रहे हैं दोस्त। अभी देखना, अभी मैं इस टिकट को कैंसिल करूँगा तो आपको दिखाएंगे कि कितना रुपये कैंसिल करने में कटा, ठीक है। तो देखिए कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट है सबसे ऊपर में राइट साइड में, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ओके। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कैंसिल टिकट, आप देख सकते हैं कैंसिल टिकट पे आपको क्लिक करना है, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद में अब देखिए दोस्त आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस टिकट में 3 जने हैं, अगर तीनों को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे इस तरह से क्लिक करेंगे। देखिए तीनों नाम पर जो है इस तरह से टिक हो चुका है, और अगर आप जो इनमें से किसी एक को या दो को कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसके नाम के साइड में इस तरह से टिक मारेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए मैं सबको कैंसिल करना चाहता हूँ, सेलेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया है। फिर से आपको क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक कर देना है। फिर से जो है आपको एक बार कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब जो है ये वाला टिकट कैंसिल हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त। अब जो है यहाँ पे सिर्फ 855 रुपया वापस मुझे मिलने वाला है, यानी कि रिफंड अमाउंट। और देखिए दोस्त जिस क्या कहता है, जिस अकाउंट से आपने पैसे कटाया था तो उसी अकाउंट में जो है 3 से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर में अपने आप पैसे आ जाएगा, ये 855 रुपया मेरे अकाउंट में। तो इस तरह से जो है आप IRCTC ऐप्स से अपनी ट्रेन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्त आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।